शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। का लिखा हुआ ठीक 5 बजे बैठक में आ जाना। तुमको भी चिट्ठी मिली है? अच्छा, आपको भी? लेकिन लिखी किसने? ये शगुन की थाल है। हम अपने भाई बंटी के लिए आपकी पोती स्नेहा का हाथ मांगने आए। दिमाग खराब हो गया क्या? दोनों के फेरे हो चुके हैं। जानते हैं अम्मा, लेकिन तब रस्में नहीं निभाई गई थी, अब निभाई जाएंगी। किस हक से तुम हमारे बेटे का रिश्ता मांग रही हो? तुम होती कौन? हमें नहीं मंजूर है ये रिश्ता। ताऊ जी, वो हम। तुम साबित क्या करना चाहती हो? ताऊ जी, हम केवल इनके रिश्ते को मान सम्मान देना चाहते हैं। बंटी और स्नेहा एक दूसरे से प्यार करते हैं, और अगर हम इनकी खुशी के लिए इनकी शादी स्वीकार कर पूरे विधि विधान के साथ इनकी शादी करा दे तो? कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? बंटी, तुम इस रिश्ते को वो मान सम्मान नहीं देना चाहते हो? चलो जाओ, तुम दोनों जाके आशीर्वाद लो सबका। और ये सब तुम कह रही हो? जो लड़का इस घर में सिर्फ बदला लेने के लिए आया, और सब जानते हुए भी तुमने उसका साथ दिया, उसके बाद भी तुम ये कहोगी? मानते हैं हमारी शादी जिस तरह हुई, उससे आप सबको बहुत ठेस पहुंची है। और ये भी सच है कि शिवांश ने हमारे परिवार से बदला लेने के लिए ये शादी की थी। पर ये सब कुछ जानते हुए हमने इस शादी को निभाया है। ये क्या जवाब हुआ? बंटी, हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि जो चीज हमारी शादी से बिगड़ गई, वो तुम अपनी शादी से सही कर सकते हो। पर वैसे भी कल के बाद हमारी शादी के लिए कोई सवाल नहीं उठेंगे। अम्मा ने तो हमें इस बदले की बोझ से आजाद ही कर दिया, लेकिन ये शरावनी क्या कह रही है? अम्मा, शिवांश ने अपनी आधी जिंदगी नफरत में बिता दी है, लेकिन स्नेहा, स्नेहा की किस्मत आप अब भी बदल सकती है। अगर आप इस बदले को भूल जाए तो हम स्नेहा की मां हैं, हम तुम्हारे भाई का रिश्ता स्वीकार करते हैं। अम्मा, ताऊ जी, आप तो सबसे ज्यादा समझदार है ना। आप जैसा निभाने वाला हमने नहीं देखा आज तक। बंटी और स्नेहा एक दूसरे से प्यार करते। नहीं,
हमने ये शादी सिर्फ अपनी बहन को बचाने के लिए की थी। ताकि ये तुम्हें तकलीफ पहुंचाने से पहले सोच सके कि इसकी बहन के साथ भी वही गलत सलूक हो सकता है। इसलिए अब इस पर पंच की कोई जरूरत नहीं है। आंटी, हमें जो कहना था हमने सबके सामने कह दिया, बात खत्म। क्या तुम्हारे लिए ये रिश्ता कोई मायने नहीं रखता? तो क्या फर्क रह गया तुम में और शिवांश में? फर्क है फर्क ये है कि शिवांश ने तुमसे तुम्हारी मर्जी के खिलाफ शादी की है बदला लेने के लिए, और हमने स्नेहा की सहमति से शादी की। उसने सहमति तुम्हें इसलिए दी बंटी क्योंकि उसे लगा तुम उसे चाहते हो, लेकिन तुमने भी तो उसे धोखा ही दिया ना। किसी और की बहन के साथ वही किया जो खुद तुम्हारी बहन के साथ हुआ है, और उसमें स्नेहा का क्या? तुम्हारा क्या? हमने उसकी बहन से सिर्फ इसलिए शादी की ताकि हम तुमको सुरक्षित रख सके। तुमने हमारे लिए उससे शादी की है ना, तो अब तुम्हें हमारे लिए ये शादी निभानी भी होगी। छुटकी मिटा दो सिद्धू अपनी मांग से। अपनी पोती की मांग से सिंदूर हटाने की इतनी जल्दी है आपको? जब श्रवणी की बारी थी तब तो कुछ और कहा था ना आपने। तो सुन लीजिए, हमारी शादी भी विधिवत से हुई है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। स्नेहा, हम इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं। मन पर भरोसा करोगी फिर से? चल तो फिर तेरा आज रात पूरे रीति रिवाज के साथ हमारे भाई की शादी स्नेहा से होगी। गुस्सा आ रहा है ना बंटी पर, जानते हैं। पर ये भी तो सोचो, बंटी अब इस शादी को निभाना चाहता है, तुम्हारी बहन वो भी तो उसे चाहती है ना। शिवांश, दोनों को एक नई शुरुआत कर लेने दो, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। शिवांश, आज तुम्हारी बहन को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, आशीर्वाद दे दो उसे, आज अपने पापा का फर्ज निभा दो। एक बात बताइए कि कल के बाद हमारे रिश्ते को लेकर कोई सवाल नहीं उठेगा, क्या मतलब है इसका? कहा ना आपने, पता चल जाएगा। आज बताओ अभी।
घबराओ मत, हम जो भी करेंगे ना उससे तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। तुम्हें शादी और बदले के बोझ से आजाद कर देंगे। कैसे? कल बताएंगे। स्वीटी सर सुनो तो, बोलो ये फूलों की झालर जरा ऊपर टांग दो ना, वो हमारा कंधा बहुत दुख रहा है। वैसे मुंह क्या बना रही हो स्वीटी, बंटी तो तुम्हारा भी भाई है ना, चलो थोड़ा सा हाथ बटा दो, लो जाओ। भगवान करे हम जो करने जा रहे हैं वो सही हो। आंखें बेच के काम करती हो का? कौन कहा तुमको ऊपर चढ़ने के लिए? गिर जाती तो डॉक्टर ने मना किया है ना तुमको? ले जरा सा दपट दिए तो रोना शुरू। नहीं पापा, आज पहली बार आपका डांटना हमें अच्छा लग रहा है। फिर से डांटिए ना पापा, डांटिए। हमको ना आपकी चिंता दिखाई दे रही है इसमें। चिंता है तभी तो गलत काम करने से मना करते हैं तुमको। अरे कैसे हो सकता है? वो सोचती हम कुछ समझते ही नहीं। हम समझे नहीं। यही जो श्रवणी कर रही है, नौकरों ने हमको बताया कि स्वीटी को स्टूल पे चढ़ने के लिए श्रवणी ने कहा था। वो क्यों कहेगी? अरे हमको और स्वीटी को करीब लाने के लिए, और किस लिए? श्रवणी को पता नहीं कहा हो गया, पहले बंटी की शादी के लिए मना लिया, अब हमारे और स्वीटी के बीच सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही है। और उसकी वो बात, कल से शिवांश और उसके रिश्ते पे कोई सवाल नहीं उठाएगा। श्रवणी को कहीं जाने की बहुत जल्दी है और वो जाने से पहले सब कुछ ठीक करना चाहती है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस उसे लगता है कि वो आपको मना लेगी। आप भोले हैं ना, आप नहीं समझते हैं कि आप उसके हुकुम का इक्का है। बात कुछ और है चंद्रा, हमारा दिल कह रहा मरने जा रही है लेकिन हमारा खून सुखा के मरेगी, मरे तो पिंड छूटे। आप जो चाहती हैं वो हो नहीं सकता। क्या आपको हमारे इस रिश्ते से आजादी चाहिए ना, तो हम नहीं छोड़ेंगे आपको। शिवांश, हम एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, और अब तुम्हारी ये बदले की कहानी भी खत्म हो गई। फिर हर कहानी को खत्म करने के लिए जल्दी मत कीजिए। हमारा मतलब है कि अब बहुत देर हो चुकी है, ये रिश्ता बहुत उलझ चुका है, और वैसे भी हमारी बहन है आपके घर, और कौन जाने कि हमारे अलग होने के बाद आपका भाई हमारी बहन के साथ क्या करे।
स्नेहा की फिक्र मत करो तुम। आपको हम पसंद नहीं है ना, लेकिन फिर भी आपको ये रिश्ता निभाना पड़ेगा, आप चाहे या ना चाहे। वरमाला के लिए वर वधु खड़े हो जाए। संपन्न हुआ, आज से आप पति पत्नी हुए और बड़े बुजुर्गों का आप आशीर्वाद लीजिए। अब तक हमारी दो बेटियां थी, आज तीन हो गई हैं। आशीर्वाद दीजिए अम्मा। वैसे भी कल से ये दुश्मनी की कहानी तो खत्म ही हो जानी है। सदा सुहागन रहो। तुम्हारा विवाह बहुत शुभ अवसर पर हुआ है। आज भंवर पड़े हैं और कल करवा चौथ है। करवा चौथ का व्रत खूब अच्छे से रखना। तुम्हारा पहला व्रत है ना? बहन नहीं, अपनी जान दे रहे तुमको। इसकी आंख में आंसू ना आए, ध्यान रखना। अरे भाई भाभी, हमारे मायके का सारा दुलार और सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारी हुई। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे ये पूरी हवेली हमें सौंप कर कहीं जा रही हो। जाना तो पड़ेगा ना। हमारा मतलब है पढ़ाई के लिए, अब पढ़ाई करने के लिए हमें जाना तो पड़ेगा। इसलिए सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर जा रहे। अच्छा हम आते हैं, आगे बहुत सारी रस्मों की तैयारियां करनी है ना? ठीक है। शिवांश, शिबू,
सोई नहीं अभी तक? हमने एक बहुत बुरा सपना देखा। हम देखा कि शुभू, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। श्रवणी, क्या तुम शिबू की सलामती के लिए कल करवा चौथ का व्रत रख लोगी? श्रवणी बेटा, हम जानते हैं कि तुम पूरी तरह शादी से जुड़ नहीं पाई हो। हमारा यकीन मानो, हम समझते हैं, पर तुम उसकी भ्याता हो और एक सुहागन के व्रत में बहुत शक्ति होती है। ये व्रत रख लो हमारे मन की तसल्ली के लिए। जीती रहो बेटा, तुमने हमारी बात मान ली। करवा चौथ का व्रत शिवांश के लिए सिर्फ हम ही रखेंगे। आप करवा चौथ का व्रत रख रही हैं? हमारा मतलब है कि उसकी क्या जरूरत है? चिंता मत करो, सात जन्म के लिए नहीं बांधेंगे तुम्हें। इसी जन्म में पिंड छूट जाएगा तुम्हारा हमसे। मां का बहुत मन था और कुछ नहीं। दमाजी, खाना। आप दे रहे हैं। ये भी करवा चौथ का व्रत रख रहा है? ये अचानक दांत का दर्द कहां से आ गया? कुछ खा भी नहीं पा रहे हैं। या हम भूखे मर रहे हैं इसके लिए, और ये श्रवणी के लिए व्रत रख रहा है? व्रत तो सिर्फ हम ही पूरा करेंगे, और वो भी तुम्हारे हाथों। अब देखती हूँ रंग कैसे चढ़ता है। बेटी, क्या कर रही हो? वो कुछ नहीं मम्मी, पैर फिसल गया था। हाँ, संभाल के।
बड़ी सुंदर लगाई है, क्या बात है। हम तब तक और तैयारियां दे, जाओ बेटा मेहंदी लगवा लो। क्या नाम लिखे दीदी हाथ पर? नाम लिखना शिवांश। और ऐसा लिखना कि मेहंदी खूब रचे। तुम्हारी हथेली पर तो थोड़ा सा भी रंग नहीं चढ़ा। मम्मी, ऐसा होना तो अपशगुन है ना? रिश्ता झूठा हो तो रंग सच्चा कैसे चढ़ सकता है? मन से रखती तो मेहंदी का रंग चढ़ता। चढ़ गया रंग, अब कोई अपशगुन नहीं होगा। चलो बेटा व्रत की थाली सजा लो, शिवांश भी आता ही होगा। क्या हुआ, सर भारी है क्या? पानी पी लो, पानी पी लो। अरे अमन, पानी नहीं चाहिए। क्यों? अमन वो हमारे दांत में दर्द है, पानी पीने से दर्द बढ़ जाएगा। भगवान ने इस मगरूर से व्रत रखवाया लगता है। अरे अम्मा, हम कोई व्रत नहीं रखे हैं, वो दांत के दर्द के मारे हमसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा है। अच्छा तो ये मिठाई खा लो, खा लो। अरे अम्मा, सच में दर्द हो रहा है। ठीक है, दीदी तुम चलो ना हमारे साथ, वो जो कलश रखा है ना वो निकाल कर लाने के लिए। तो कलश कहीं दिख ही नहीं रहा। दीदी देखो ना, अलमारी में तो नहीं है, शायद ऊपर होगा। हमारा हाथ नहीं पहुंच रहा है, देखो ना, तब तक हम स्टूल लेकर आते हैं। हाँ का दरवाजा कैसे बंद हो गया? स्वीटी, 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 अब यही मनाना अपना करवा चौथ। श्रवणी कहाँ रह गई? जा बेटा, श्रवणी को बुला ला, चांद निकलने ही वाला है। श्रवणी, श्रवणी,
सुटी, अरे अरे सुटी, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? रुको, हम पानी लेके आते हैं। ये लो पानी पियो। शिवांश, चांदी, 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 श्रावणी, आप ठीक है? आपकी हालत कैसे हुई? पता नहीं हम अलमारी में कैसे बंद हो गए। अलमारी में बंद हो गए थे? ऐसे कैसे बंद हो गए? और किसने किया? दामाद जी, हमसे गलती हो गया। हमें लगा कि सब छत के ऊपर हैं, हम जल्दी में थे, हड़बड़ी में दरवाजा बंद कर दिया। हमें माफ कर दीजिए। अरे काका, ऐसे कैसे, देख के कीजिए, आगे से ध्यान रखना। जी मालिक। जाइए। आ गई थी तुम, पगला गई होगा। मम्मी, हम समझ नहीं आता कि हर बार हमारा ही काम क्यों बिगड़ता है। हम ज्यादा कुछ नहीं चाहते थे, बस यही चाहते थे कि शिवांश हमारा व्रत खोले और हम शिवांश का। पर इस बार भी दीदी हमारे बीच कूद पड़ी। हम तुमसे कह दे रहे हैं स्वीटी, शिवांश का भूत अपने सर से उतार, वरना। मम्मी, भूत नहीं है, प्यार है, प्यार। आप नहीं समझोगी। अरे चलो चलो, पूजा करते हैं, चलो चलो। तू भी शिबू को पानी पिला दे, ऐसा दांत में दर्द हुआ है ना, खाना तो क्या, पानी तक नहीं पिया बेचारे ने। बिना बात ही व्रत हो गया बेचारे का। जरा पानी पिला ना, देखें अब दांत में दर्द तो नहीं है। हम तो पानी पी लो, वैसे भी सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं है। भाभी के पानी पिलाते ही आपका दांत का दर्द यूं कैसे छूमंतर हो गया? अबे तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो क्या? तुम्हारे दांत तो हम तोड़ेंगे। ये माता रानी, आज हमारा आखिरी दिन है हमारे परिवार के साथ, इनका ध्यान रखिएगा।
इस मटके में क्या है? ताऊ जी, आपको ये याद है? स्नेहा, तुम इस घर में नहीं हो इसलिए तुम्हें ये बात समझा रहे। ये मटका हमारी खुशियों का मटका है। बचपन से लेके हर दशहरे पर हम ये खेल खेलते आए हैं। हमें जो जो चाहिए होता है हम सब वो एक चिट्ठी में लिखकर इस मटके में डाल देते हैं। और फिर ताऊ जी इस मटके को फोड़कर सबकी चिट्ठी पढ़ते हैं और जिसको जो जो चाहिए होता है उसको वो देते हैं। इस बार दशहरा तो ऐसे ही चला गया तो हमने सोचा कि अभी कर लेते, इसलिए हमने तुम सबसे चिट्ठी मांगी थी। अब हम वो चिट्ठी इस मटके में डाल देंगे। ये लीजिए मटका फोड़िए। ये स्वीटी की पर्ची है, इसे नए कपड़े चाहिए। स्नेहा की पर्ची, इसे सोने की मटर माला चाहिए। बंटी, उसे नए जूते चाहिए, मिल जाएगा। जिसको जो चाहिए सब मिल जाएगा। अब तो सिर्फ श्रवणी बची। हाँ पापा, देखिए ना दीदी ने क्या मांगा है। हमने आप सबका बहुत दिल दुखाया है, जानते हैं उसकी माफी नहीं है, लेकिन हो सके तो हमारे सर पर एक बार हाथ रख दीजिएगा। हम समझ जाएंगे कि आपने माफ कर दिया। माफी? तुम्हारा शिकार एक घंटे में बाजार पहुंच जाएगा। तैयार हो? हम तैयार हैं। बस अब आप आरती तैयार रखिए। ताऊ जी, क्या हम अंदर आ जाए? आपके मनपसंद दही वड़े लेकर आए, आपको अच्छे लगते हैं ना? तुम कुछ भी कर लो तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। आपने माफ नहीं किया तो हम जा नहीं पाएंगे ताऊ जी। थैंक यू ताऊ जी। ये नेत्रा ने दिए तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए?
अब तो ताऊ जी माँ से भी माफी मिल गई, सारे अधूरे काम भी पूरे हो गए माता रानी, अब हम चैन से जा सकते हैं। हमारे जाने के बाद ये वीडियो जरूर देख लेना। गुड बाय। माँ, सिर्फ एक बार फोन उठा लीजिए हमारा, एक आखिरी बार आपकी आवाज सुननी है बस। कैसे बात करें तुझसे हम, जो तूने किया है हम कभी नहीं भूल सकते। नेत्रा ने फोन नहीं उठाया, बताओ बेटी आखिरी बार बात करना चाहती है और माँ एक मिनट के लिए बात नहीं करना चाहती। आप हमारी चिंता मत कीजिए, ये बताइए ताऊजी को सच बताया या नहीं। ये लो, इसमें हमने अपने एक एक गुनाह लिख दिए, जो भी गलत काम किया सब लिख दिया, कुछ नहीं छुपाया। लिखा क्यों, बताया क्यों नहीं? क्योंकि भानु जी हमारी कमजोरी है, हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जो कुछ भी कर रहे हैं वो उन्हीं के लिए कर रहे हैं, बस उनकी जान सलामत रहे। उसके लिए अगर हमें अपने सारे गुनाह कबूल करने हो ना, हम सब कबूल करेंगे, उन्हें ये दे देंगे और हमेशा के लिए चले जाएंगे। वाकई यकीन नहीं आ रहा, आपने सब कुछ लिख दिया, सब कुछ कबूल कर लिया। अब हो गई तसल्ली, अभी नहीं।